प्रेज द लॉर्ड जैम्सी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे। यू नो लेट्स टॉक टुडे में आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में और पेरेंट्स के बारे में। क्या आपको पता है तकरीबन 16,700 बच्चे हर घंटे पूरी दुनिया में जन्म लेते हैं। ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है समय के अनुसार, लेकिन आज के दिन जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तकरीबन 16,700। यू नो इम्पॉर्टेंट बात जो ये है जो आज हम बात करना चाहते हैं, हर बार जब पेरेंट्स बनने के लिए कोई तैयार होता है, अगर उन्हें थोड़ी भी जानकारी है तो वो इस बात के लिए बहुत लंबी तैयारी करते हैं। तो आइए बात करेंगे हम बच्चों के बारे में और पेरेंट्स के बारे में कि कैसे उनकी जो बीच में एक सही संबंध जोड़ा जाए शुरुआत से लेकर आखिर तक। तो शुरुआत करेंगे इस बात पर, हमारे साथ हैं पास्टर रूपक। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर रूपक एक बार और आने के लिए। आज हम पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे, ये हमारा एक अगला पड़ाव है इस मैरिज कोर्स का। बच्चों के बारे में हम देखते हैं तकरीबन 16,700 के आसपास हर घंटे पैदा होते हैं, राइट? ये पूरी दुनिया का है और डेथ रेट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन हम दूसरे नज़रियों में भी देखें, बहुत सारे लोग बहुत उत्साहित हैं बच्चों के लिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा मिस की जाती है कि कैसे जो है बच्चों को सही रीति से उनकी नींव ऐसी रखी जाए ताकि वो आगे जाकर किसी और प्रकार के इशूज़ खड़े ना हो। कैसे? प्लीज़। ओके, देखिए बच्चों का पालन पोषण करना ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो बच्चे हैं वो कल का सिटीजन बनने वाले हैं। बिल्कुल सही। और हमारा देश का भविष्य, हमारा परिवार का भविष्य, हमारे कलीसिया का भविष्य, हमारे समाज का भविष्य, ये जो बच्चा पैदा हो रहा है आज उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट करता है। सही कहा। आप उसको कैसे बनाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, माँ बाप के ऊपर। और मैं एग्री करता हूँ, जब किसी का मैरिज होता है वो पहले से ट्रेनिंग, हमारे देश में तो ट्रेनिंग नहीं दिया जाता कि आप कैसे पेरेंट्स बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक का। ठीक है, लेकिन तो आजकल ऐसे नए नए बिजनेस आ रहे हैं। है, लेकिन मैं नहीं समझ सकता हूँ कि हमारे देश के मेजोरिटी लोग इस एजुकेशन को प्राप्त किए हुए हैं। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो इसलिए, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको कि लोगों को ट्रेनिंग में जाना चाहिए, टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, वो अलग बात है यदि आपके पास है, क्योंकि उसमें मनी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मैं इसमें और चीज़ है, जो ट्रेनिंग वो लोग दे रहे हैं दैट इज जस्ट फॉर यू नो, बट किसी, इतना पैसा भी सब लोग लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं उनके हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद उसका हद, उसकी जो हद है वो इतनी तक है कि बच्चा पैदा करना, बच्चे का जो है उसको बड़ा करना, स्कूल भेजना और उसकी नीड्स को समझना, बट देयर स्पिरिचुअल मैटर्स और दूसरी चीज़ों के बारे में उनके पास एजुकेशन है ही नहीं, वो नहीं दे सकते। या आई थिंक मोर ओवर व्हाट क्या वो कर रहे होंगे, एक आपको थियोरिटिकल जो डिटेल्स है वो आपको बताएंगे। वेल सर, दैट्स राइट, बट जो हमारे पास है, हम जो पेरेंटिंग कोर्स करवाते हैं उसमें थियोरिटिकल पार्ट के साथ साथ एक प्रैक्टिकल पार्ट भी है। करेक्ट। और उसमें एक डिस्कशन होता है, डिबेट नहीं होता है, डिस्कशन होता है। एक एक पेरेंट्स अपना अनुभव को शेयर करते हैं। एक जब मैरिज होता है वो पहले तो हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो है। एक उनका एक नया एरियाज है। ठीक है, ठीक है, ये कभी नेचुरली कोई नहीं करता है, मतलब पहले से ट्रेनिंग लेके कैसे हस्बैंड वाइफ बनाना। लेकिन हमने बात किया है मैरिज कोर्स, प्री मैरिज कोर्स में, लेकिन पेरेंटिंग में ऐसा है, ये एक अनदर नया आइडिया है। राइट। बच्चे, ठीक है, वो एक समय होता है जिसमें प्रेग्नेंट होते हैं, बच्चा पैदा होता है, लेकिन बच्चा पैदा करना तो शायद बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे का परवरिश करना वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। करेक्ट, करेक्ट। जिसको हमें जानना जरूरी है आज के डेट में, आज के इस परिस्थिति में, जो वर्ल्ड में जो परिस्थिति है, यदि आप मेरे साथ सहमत होंगे, जैसे बच्चा पैदा होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पकड़ा देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और ये चाहकर भी, कभी कभी अनजाने में भी उसके साथ, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं, बोले उसको कौन मैनेज करे, बोले ये पकड़ कर ये जो है थोड़ा बिजी रहेगा और मैं अपने घर का काम कर लूँ। यहाँ तक कि जो बच्चे का परवरिश में जो बातें माँ को करना है, पापा को करना है, उनके पास टाइम नहीं होने के कारण आया करती है वो काम जी। ठीक है, ठीक है, जो टच आपको देना है
उस बचपन में, उस छोटे उम्र में वो टच बहुत सारे बच्चों को भी नहीं मिल पा रहा है अर्बन सेक्टर में. यस यस यस. रूरल सेक्टर में तो मैं कहूँगा कि है, अभी भी वो है, वो नहीं छुटा है, लेकिन अर्बन सेक्टर में कहीं ना कहीं ये एक. लेकिन मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, पैदा हुए बच्चे से ही शुरुआत होता है एक हार्डवर्क का. और ये अकेला माँ का काम नहीं है, ठीक है, माँ बाप दोनों मिलके करते हैं. करेक्ट. वो करने से बेटर है. तो यहाँ से आप एक फैमिली स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं. माँ बाप भी और इफ पॉसिबल ग्रैंड पेरेंट्स आर देयर, इफ दे आर लिविंग विद देम, यदि वो उनके साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, देन तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दोनों का स्पर्श होना. और साथ में खास करके और एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, कभी कभी हम लोग उनको गोद में कभी कभी उठाते नहीं, हम लोग बांध देते हैं, वो ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, आप हमेशा नहीं, लेकिन बहुत जरूरी है आपके हार्ट बीट के साथ वो बच्चे का हार्ट बीट मिले. और वो हार्ट बीट कहाँ से मिलेगा, जब आप उसको लगाते हैं, इस प्रकार परिस्थिति में आप उनको उठाते हैं. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को जब आप बड़ा करते हैं, उनको रियल लाइफ में बड़ा कीजिए. एक और एक क्वेश्चन देना चाहूँगा, और खैर मैं आज मतलब उतना डीपली नहीं जाऊँगा, आपको यदि ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे पेरेंटिंग कोर्स में जरूर ज्वाइन करें, ये हिंदी में अंग्रेजी में अवेलेबल है. तो ये जो बच्चा है, इस बच्चे को हम क्या करते हैं, जैसे थोड़ा बड़ा होता है, हमारे पास वो जीत करता है या कुछ बातों करता है, तो हम क्या करते थे, पहले हम लोग उनको बातों से बात करते थे या कुछ रियल चीज़ें पकड़ाते थे या कुछ करते थे, वो रियल है. लेकिन आजकल क्या करते हैं, खाना खिलाना है तो मोबाइल पकड़ा दो और खाना खिला दो. तो उसके पीछे शिकायत भी है ना, परेशानी भी है. माँ परेशान है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो क्योंकि वो उसका ध्यान सिर्फ खाना खाने में नहीं है, तो वो मजबूरी है ये कि कार्टून दिखा दो टीवी में या फिर उसको मोबाइल पकड़ा दो. बट एक्सपर्ट कहते हैं, जी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट कहते हैं कि उससे पहले कि आप वर्चुअल चीज़ों को आप स्क्रीन में दिखाएं, वो चीज़ को रियल रियल में आप उनको पकड़ाइए, नहीं तो उसका एक अलग असर पड़ता है बच्चों के जीवन में. नेचुरली पड़ेगा सर, तो बहुत कुछ पढ़ने वाला है. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और आपने कभी देखा होगा एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, ट्रेन में जाते हुए माँ बाप अपने मोबाइल में बिजी है, बच्चे अपने बच्चों को भी एक मोबाइल पकड़ा दिया है कि वो अपने में बिजी है, बात करते नहीं है. एक वर्बल बातचीत जो होना है, हम जो सिखाते हैं बचपन में, मेरे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है बोलना, क्या शब्द बोलना, कैसे किसको बोलना, रेस्पेक्ट कैसे देना है किसी को, ये चीजें बचपन से हमें सिखाने की आवश्यकता है. और ये तो तभी हो सकता है जब आपस में बातचीत हो रही हो, कम्युनिकेशन, और उनके संवाद होना चाहिए आपस में. तो समय, मैं मानता हूँ हम नीड से, हमें कमाना है, हमें हमें बहुत कुछ मैनेज करना है, सोशल स्टेटस को मेंटेन करना, वो ठीक है, लेकिन आप जो कल का भविष्य है आप उनको कैसे बिल्ड करेंगे, यदि अभी से यदि स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं डालेंगे तो बाद में ये तो आपकी बातें सुनेंगे नहीं. एक चीज़ मैं देखता हूँ यहाँ पे काफ़ी समस्या हो जाती है, द पेरेंट्स एक्चुअली दे ऑल्सो स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ. हर एक किसी की जिंदगी आसान नहीं है. 98% लोग जो हैं अपनी रोज की चिंताओं से परेशान, या तो उनको अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जॉब के प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, और पड़ोसी अड़ोसी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. अगर इन प्रॉब्लम्स के साथ वो रहते हुए वो कहाँ समय दे. आज नौकरी जो है 8 घंटे की नहीं रह गई है, 8 घंटे के आने के बाद भी घर पे भी 2-3 घंटे वो काम करता है, वाइफ के साथ बिजी है और दूसरी चीज़ों के. अब वो एक आदमी किस किस को समय दे, वाइफ को भी देगा, बच्चे को भी देगा, नौकरी को भी देगा, खुद की भी प्रिपरेशन होते हैं सर. इसीलिए हम कहते हैं ये समर सीजन है. ओके. यहाँ पसीना छूटना ही है. नहीं पर ये क्या है कि हम टाल तो नहीं सकते. नहीं नहीं टाल तो नहीं सकते हैं. मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कितना भी बिजी है प्रायोरिटी दीजिए, किस चीज़ को हमें प्रायोरिटी देना है, महत्वपूर्ण कौन से बातें हमें करना है, क्योंकि बच्चों को यदि बच्चों का एक सोने का भी समय होता है, ठीक है ठीक है, वो घंटे के हिसाब से मुझे अभी मैं स्टैटिस्टिक आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जब आप कोर्स करेंगे आपको पता लग जाएंगे. तो लेकिन बच्चों का जो सही समय है, माँ बाप भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी सोया नहीं है, बच्चों को सुलाएगा कौन,
सही बात है। ये भी एक अनदर इशू है। और बच्चे यदि सही रीति से उनका जितना स्लीपिंग का समय चाहिए एज के अनुसार यदि नहीं मिलता है, उसका इमोशनल ग्रोथ, उसका फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक बात है। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना है। लेकिन हाँ ठीक है, हमारे पास एक्सक्यूजेस है, अलग अलग एक्सक्यूजेस है कि हमारे पास समय नहीं है, हमें नौकरी है, कमाना है, वो करना, ठीक है, लेकिन क्या प्रायोरिटी देते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं पहले से बताया हूँ, ये समर सीज़न है। यहाँ पर जो समर सीज़न से पहले यदि आपने लाइफ पार्टनर को, जीवन साथी को आपने बहुत समय नहीं दिया है, तो यहाँ आप समय नहीं दे पाएंगे। या दैट इज परफेक्ट राइट। लेकिन इसका असर आपके रिलेशनशिप पे आएगा। तो इसीलिए आपको मैनेज करना है, फोकस है दोनों मिलके, अकेले नहीं, दोनों मिलके बच्चों को बढ़ाने, क्योंकि आप यदि उनको हेल्दी फैमिली के रूप में ग्रोथ नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका बड़े होने के बाद इसका जो असर है आपको नकारात्मक असर मिलेगा। या परफेक्टली राइट। मैं यहाँ ज़रूर एक बात कहूँगा, अगर मैं ये सवाल पूछूँ तो मुझे मालूम है इस बात का जवाब मुश्किल से मिलेगा कि आदमी खुद डेवलप नहीं हो पाया और वो फिलहाल अब यहाँ कैसे डेवलप करे, इस सवाल का तो जवाब नहीं है और कोई भी नहीं दे पाएगा। पर अब ये कि ठीक है, बिगड़ गई जो चीज़ें वो बिगड़ चुकी हैं, आज सवाल ये कि उसे सुधारे कैसे। हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करके कुछ है नहीं। तो बाइबल में हम सीधी सीधी बात जानते हैं, यीशु के पास एक जो है अंधा भिखारी सड़क के किनारे चिल्ला रहा, यीशु नासरी, यीशु मसीह नासरी, ये नासरत का यीशु पुकार पुकार कर कह रहा है कि मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। यीशु ने उससे पूछा तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। यीशु ने ये नहीं पूछा कि तुझे क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या है, और उसने ये भी नहीं बोला यीशु नासरी मुझ पर दया कर मैं अंधा हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं अंधा हूं, उसने कहा सोल्यूशन, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पर उसने बात की। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट। प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है कि यू नीड टू प्रायोरिटाइज व्हाट यू नीड टू डू। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर जो चीज़ें बिगड़ गई हैं, अब एक्सक्यूजेस देने से कुछ नहीं है। मैं भी अगर आपकी तरफ से इस एक्सक्यूज को सवाल बनाकर पूछूं, मुझे नहीं लगता दैट्स राइट। तो मैं ये आप सबको कहूंगा कि जस्ट थिंक अबाउट, जो बीत गया सो बीत गया, आज उसे कैसे सुधारें। ठीक है, आज मैं, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तब शायद मैं ये कर पाया था, आज मैं ये कर रहा हूँ, सवाल ये कि आगे करूंगा जो उससे पहले मैं आज क्या कर रहा हूँ। आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट। इसमें टीम वर्क बहुत जरूरी है। या राइट, टीम वर्क, तभी बेहतर चीजें बन सकती है। पति पत्नी दोनों मिलके, यदि आप एक माइक्रो फैमिली है, जॉइंट फैमिली नहीं है, तो पति पत्नी दोनों का रोल महत्वपूर्ण है। आप ये नहीं स्किप कर सकते कि नहीं मैं थके हुए आया हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। रात को यदि बच्चा रो रहा है, बीमार है, दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसको देखना। करेक्ट। क्योंकि यदि आप टीम वर्क नहीं करते हो, एक व्यक्ति थक जाएगा तो बहुत मुश्किल आएगी। सही कहा। तो इसलिए मैं तो कहूँगा, यही सजेस्ट करूँगा, एक तो प्रायोरिटाइज कीजिए, दूसरा है टीम वर्क कीजिए, दोनों मिलके। आपके पास यदि जॉइंट फैमिली में तो और भी सपोर्ट मिल जाएगा आपको। क्या बात है, मैं आपको सही कह रहा हूँ। हाँ, जॉइंट फैमिली में यदि आप हैं, उससे बढ़िया और कुछ नहीं है आपके पास। कई लोगों के पास ये मुश्किल होता है, कौन करेगा, घर का काम भी करना है, सही कहा, बच्चे को भी देखना है, ये सब कुछ करते करते समय नहीं मिलता है, पसीना छूटते हैं जैसे मैंने कहा। तो इसके लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है और प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। और साथ में ध्यान भी ये रखना कि हमारे जो बच्चे को हम बड़ा कर रहे हैं, क्या हम सही रीति से जा रहे हैं। कंसल्ट यदि किसी से करना है, बिल्कुल कर लीजिए, मदद ले लीजिए, तो ताकि आप बच्चे, मैं ये जो बात कर रहा हूँ, आप 0 से लेकर 10 साल के बीच में, ये इन बच्चों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात, उसके बाद फिर एक अलग सिचुएशन आता है। ओके, जिसमें आपको चेंज करना है। बट बहुत गहरी बातें हैं ये चीज़ें, चाहिए कि हर एक व्यक्ति तो लगातार इस पर ध्यान दे। और अगर वो लगातार ध्यान नहीं दे पा रहा, ठीक है चीज़ें बदल गई हैं, पहले से कुछ और मौका था, आज मैंने सीखा है, ये उनके लिए तो आसान है जो शुरुआत से सीख रहे हैं, दे कैन मेक इट इजी। बट व्हाट अबाउट द पीपल दोज हु आर इन द नेक्स्ट स्टेज, इस पर हम नेक्स्ट एपिसोड में और बात करेंगे। एज पर दैट अडल्ट, मैं कहूँगा जो टीनेजर्स हैं, उनको कैसे जो है, उनके साथ कैसे डील किया जाए, ये बहुत गंभीर बात है। लेट्स थिंक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट इट ऑन विजनरी रेडियो टीवी। प्रभु की सहायता हो। और यदि आपके मन में बोझ है, आप सेवकाई के लिए आप बढ़ा कर कुछ दे सकते हैं, तो इन नंबर्स पर आप अपनी ऑफरिंग्स, दान, दशमांश भेज सकते हैं। सेवा के कई आयाम हैं जिन्हें आगे बढ़कर हमें देखना है प्रभु की योजना में।
यदि प्रभु आपसे कहे तभी। साथ ही साथ अगर आपके पास सवाल हैं तो नीचे लिखे नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, प्लीज़ फ़ोन मत कीजिए। प्रभु आपकी सहायता करें और आगे बढ़कर संगति करते जाएं, आगे प्रभु की सहायता को देखेंगे। अमन, बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर रूपा आने के लिए, एंड विल टॉक विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट एपिसोड। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह की। जय मसीह की। आप डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो और सुनिए 24 घंटे सातों दिन बाइबल मैसेज, वर्शिप सॉन्ग और बहुत सारी गवाहियाँ और भी बहुत कुछ। तो डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो।